हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार टीचर विशेष के, खासकर बिहार स्पेशल का, जो भी एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो टीचर जो का वैकेंसी आई है उसमें बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फैक्ट वाइज मैंने इसमें कुछ फैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो है उसको मैंने इसमें संकलित किया है, तो उसको हम देखेंगे। इसके बाद ये वीडियो दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में इससे फैक्ट स्पेशल जो भी चीज़ें हैं, और दूसरे पार्ट में होगा बिहार पीसीएस आयोग के द्वारा जो है पूछा गया क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उससे आपको एक आंकड़ा मिलेगा कि किस तरीके से बीपीएससी आयोग जो है क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इसके बाद वो वीडियो आएगा तो उसको भी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिहार की स्थापना की बात करें तो फाइनली 12 मार्च 1912 को जो है, सॉरी 22 मार्च 1912 को जो है स्थापना किया गया था। बिहार की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 3 राज्यों से मिलती है बिहार की सीमा। और इसका अन्य नाम की बात करेंगे तो मगध भी था और मिथिला भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बिहार की सीमा एक इंटरनेशनल बॉर्डर से मिलता है देश से, वो है नेपाल। नेपाल देश से भी सीमा लगता है। अब राज्य व्यवस्था बिहार की बात करेंगे तो राजधानी इसकी पटना है। मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री में रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद हैं। ठीक है, राज्यपाल इसमें बिहार राज्य के फागू चौहान हैं। और लोकसभा सीटें बिहार में 40 सीटें होती हैं, राज्यसभा सीटें 16 सीटें होती हैं। विधानसभा सीटें की बात करें तो 243 सीटें होती हैं, विधान परिषद सीटें 75 होती हैं। ठीक है, बिहार के कुल जिले टोटल 38 जिले हैं और इसका निर्माण हुआ था पहले राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को निर्माण किया गया था। इसके बाद राज्य पक्षी की बात करेंगे तो राज्य पक्षी गौरैया है, हाउस स्पैरो इंग्लिश में कहते हैं, तो ये बिहार का राजकीय पक्षी है। और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को हर वर्ष मनाते हैं। ठीक है, राजकीय फूल की बात करेंगे तो गेंदा है, राजकीय फल की बात करेंगे तो आम है। भारत का भी जो है राष्ट्रीय फल जो है आम ही है। राजकीय पशु की बात करेंगे तो गौर है, इसको मिथुन कहते हैं। ठीक है, बैल कह सकते हैं इसको। और राजकीय पेड़ की बात करेंगे तो पीपल का वृक्ष राजकीय पेड़ के रूप में माना जाता है। अब बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व तो हैं, जैसे कि पहले हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज किया था और पाई के वैल्यू का जो मान आया था 3.1416 को इन्होंने ही कैलकुलेट किया था। डेसिमल थ्योरी भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। ये एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हीं के नाम पर भारत का पहला सेटेलाइट नाम था उसका आर्यभट्ट जो है रखा गया था। दूसरे हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं और ये विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। ये भोजपुर बिहार के निवासी थे। ठीक है, और इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत की आज़ादी के समय इन्होंने ही जो है शहनाई वादन किया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म बिहार के सीवान जिला में हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। संविधान समिति के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में इंडिया डिवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा है सत्याग्रह एट चंपारण, तीसरा है आत्मकथा, चौथा बापू के कदमों में बाबू। तो ये 3-4 बुकें जो हैं इनकी इंपॉर्टेंट बुकें हैं जो याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो 1902 में इनका जन्म हुआ था, 1989 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और ये सारण जिला से संबंधित हैं। इनको संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें लोकनायक के नाम से भी उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है इन्हें। तीसरे आते हैं, पांचवे आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये 1908 में जन्मे थे, 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक ए राष्ट्र कवि थे। ठीक है, बेगूसराय के सिमरिया जिले में जो है सिमरिया में, बेगूसराय जिले के सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचना में उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र आदि आते हैं। लालू प्रसाद यादव, इनकी पार्टी का नाम राजद है, आरजेडी है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल। भारत के भूतपूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं और बिहार के मुख्यमंत्री का पद भी इन्होंने जो है चुना, मुख्यमंत्री के पद पर भी इन्हें चुना गया। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था समस्तीपुर 1924 में। इन्हें गरीबों का मसीहा के रूप में जाना जाता है। 1970 में बिहार के एक मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह की बात करें तो जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म हुआ था पटना में 1966 में। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दशरथ मांझी, इन्हें माउंटेन मैन के उपनाम से जो है विख्यात है, इन्हें जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था।
गृह त्याग को इनके महावीर निष्क्रमण कहा गया और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इनके निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया और इनका निधन कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह बिहार से ही शुरुआत हुए थे, चंपारण शहर से, और ये 1917 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था भारत में। ठीक है, भारत में गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, और ये जो सत्याग्रह था ये नील की खेती के विरोध करने के लिए जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस है, ये कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था और यहीं से शिक्षा लिया था। ठीक है, और इसको नष्ट जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसको नष्ट कर दिया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे 2016 में शामिल किया गया है। पटना साहिब, ये गुरुद्वारा बिहार के पटना में स्थित है। ठीक है, शेरगढ़ का किला, ये बिहार के रोहतास जिला में स्थित है और ये दुर्गावती नदी के किनारे स्थित है। मुंडेश्वरी देवी मंदिर, ये कैमूर पठार पर स्थित है। नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में जो है रक्त विहीन बलि का जो है दिया जाता है। गोलघर की बात करें तो गंगा के तट पर पटना में जो है स्थित है और ये गोलाकार आकृति का है। ठीक है, कहा जाता है बिहार में जब ये अकाल पड़ा था तब इसका जो है निर्माण किया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम रोहतास जिले में स्थित है। सासाराम बिहार रोहतास जिले में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। और सोनपुर मेला, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि सोनपुर जिले में लगता है। ठीक है, महाबोधि मंदिर की बात करें तो गया में स्थित है। 2002 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया और यहीं पर जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगीर का विश्व शांति स्तूप की बात करें तो राजगीर में स्थित है। ये कांच का ब्रिज भी यहीं पर बनवाया गया है। ठीक है, और राजगीर जो है नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, बक्सर का किला, बक्सर का युद्ध बहुत फेमस है, 1764 में हुआ था और ये युद्ध जो है अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें हेक्टर मनरो ने किया था और दूसरी तरफ अवध के नवाब मीर कासिम तथा शाह आलम सेकंड जो है तीनों एक साथ में और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, जिसका हेक्टर मनरो था नेतृत्व किया था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध याद रखिएगा। छठ पूजा की बात करें तो कार्तिक माह में मनाया जाता है। इसमें नदी तालाब में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और ये छठ पूजा जो बिहार का प्रमुख पूजा है। पावापुरी की बात करें तो जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थान है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में ही हुई थी। बिहार के प्रमुख जीआई टैग हैं कुछ, मधुबनी पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भागलपुर का सिल्क, भागलपुर का जरदालू आम, बिहार का मगही पान, सुजनी एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, बिहार का सिलाव ख्वाजा, इसके अलावा कतरनी चावल, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, खटवा कढ़ाई पेंटिंग, ये सभी जो है जीआई टैग प्राप्त, बिहार के जीआई टैग प्राप्त हैं। ठीक है, बिहार के प्रमुख नृत्यों में जाटी नृत्य आता है, कजरी नृत्य है, विदेशिया नृत्य है, झिंझीवा नृत्य है। चार नृत्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जब बाढ़ आता है इस नदी में तो बहुत तबाही मचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी जो है पटना, इसी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फाल्गु नदी गया में बहती है, इसका अन्य नाम निरंजना नदी भी है। गंडक नदी का उपनाम नारायणी नदी है। बागमती नदी जो है नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं बिहार के, जो कि याद रखिएगा। प्रमुख जलप्रपात में बात करें तो मंजार खंड और धुआं खंड, ये दो जलप्रपात जो कि रोहतास जिला में दोनों स्थित हैं। कंवर झील जो है ये बेगूसराय जिला में स्थित है और इस झील को जो है 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। प्रमुख ऐतिहासिक क्रम में बात करें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म तीनों बिहार से संबंधित हैं। बिहार में तीन महाजनपद थे, कुल महाजनपद टोटल 16 थे, 16 में से तीन महाजनपद बिहार में थे, पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा वज्जी। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर आता है जो है बिहार, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर। जनघनत्व में बिहार पहले स्थान पर आता है। ठीक है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य का नाम क्या है? तो वो लिच्छवी वैशाली था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय है। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर तो ये जो है पाटलिपुत्र है, सभी बिहार से संबंधित है। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक तो आर्यभट्ट थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिप्टन थे, 1935 में बनाए गए थे।
स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम 1947 में बनाए गए थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस 1937 में चुने गए थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री बने थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा चुने गए थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करें तो अब्दुल गफूर थे, ये प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात तो सर एडवर्ड मेनार्ड डैश जेम्स कैमियर थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर सैयद फजल अली थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो रामदयाल सिंह थे। विधान परिषद के प्रथम सभापति की बात करें तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह हैं। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर हैं। और बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, जय प्रकाश नारायण 1999 में मिला था, बिस्मिल्लाह खां 2001 में मिला था। तो इन सभी को जो भारत रत्न सम्मान मिला है और सभी बिहार से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ये था पहला पार्ट। हम दूसरा पार्ट लाएंगे जिसमें बिहार पीसीएस के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको आंकड़ा लगेगा एक मोटा मोटा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है बिहार पीसीएस आयोग बनाता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।